तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, एल्विश और एल्विश की गैंग ज्वाइन करती है ट्यूशन, और ट्यूशन पे पसंद आ जाती है एल्विश को ट्यूशन वाले सर की बीवी। पर दिक्कत यह है कि ट्यूशन वाला मास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है और उस पे एक ऐसा सामान है जो कि चोट भी मार सकता है। और इसके बाद जैसे ही एल्विश ट्राई करता है उसकी बीवी से बात करने की, तो मास्टर उसको पीछे से पकड़ लेता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई देखो एक अलग गया, क्या लग गया? चाटा लग गया। जब मैंने तेरी ड्यूटी लगा रखी थी वहाँ पे कि अफ्रीकन मास्टर वहाँ नहीं आना चाहिए, मैं उसकी वाइफ को प्रपोज कर रहा हूँ, तो साढ़े वो वहाँ आ कैसे गया? भाई मैं उसकी वाइफ को पीछे से ऐसे पकड़ने वाला था, भाई वो वहाँ आ कैसे गया? वहाँ कैसे गया? उसकी वाइफ को पकड़ के ना मैं ऐसे किस करने वाला था यार वहाँ पे, वो कैसे गया वहाँ, आ कैसे गया वो? उसकी वाइफ को ना मैं ऐसे समझ जा, मतलब मैं क्या करने वाला था, वो आ कैसे गया? बस कर यार, तेरे को पता नहीं है मैंने तेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं करा भाई, कुछ भी नहीं करा। मैं हुई धोखेबाज, मेरा परिवार धोखेबाज है, सब धोखेबाज है। तू एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है मुझसे, कैसे कर सकता है? अरे भाई तू मेरी बात सुन, अगर वो अफ्रीकन मास्टर बाई चांस मेरे को पीछे से पकड़ लेता ना, साढ़े वो मेरे पीछे चोट दे देता। और उसकी चोट पता कैसी है? मैं किसी के चोट देने लायक ना बसता मेरे भाई, समझ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ भाई, वाह यार, ये कैसी चोटों की बात कर रहा है तू? असली चोट तो हमें वो राजू गैंग ने दे रखी है, पता तेरे को? बेटे ऐसा रैप कर रहे हैं, ऐसा रैप कर रहे हैं, हर दिन अलग रैप कर रहे हैं भाई, और हरा दे रहे हैं हमें यार। अच्छा जी, तो बेटा कल का दिन ना थोड़ा अलग होगा, क्योंकि कल ऐसा रैप कर दूंगा, ऐसा रैप कर दूंगा, कल ही देखियो कैसा रैप कर दूंगा। ठीक है जानी कट, चल से कल मैं दिखा, इस टाइम सोच रहा चल आ जा, चल चल चल, अरे चल। देख 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 तू मेरा लेके तू देख, देख 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 तू मेरा लेके तू देख, आ इतनी जल्दी ले भी लिया, ले ली। समीर तूने ना मेरी बेइज्जती करा रखी, किस बात का मर्द? तो तू ना एक काम कर, अपने आधार कार्ड में ना अपना जेंडर चेंज करा ले। जेंडर की बात है बेटे, अब तू देख मेरा रैप, आ आ मचा देगी सबके आगे गा देगी, आ आ मचा देगी सबके आगे गा देगी। आ अभी तू भी तो बोलना, हम याद तो करके आए थे। अबे रैप के कोई याद करने की चीज है? फिर भी रुक, मैं एक बार अपनी डायरी खोल के देखती हूँ। हेमंत जी अब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, देख आ आ आ मचा देगी सबके आगे गा देगी, आ मचा देगी सबके आगे गा देगी। तेरी आ भी निकलवा दूंगा, तेरी चीखें भी निकलवा दूंगा, तेरी आह भी निकलवा दूंगा, तेरी चीखें भी निकलवा दूंगा। और कान खोल के सुन ले राजू गैंग, हम तो पंगा मत लियो बेटा, ना नीचे तो चढ़ा दूंगा और तेरे मुंह में तो निकाल दूंगा। नीचे से चढ़ा दे ना, नीचे से। अबे मुंह में से भी निकलवा दे, ये तो बहुत ही शक्ल निकल गई, शक्ल दे। ओ साड़े हमारे मुंह में देगा तू, चलो एक बार दे भी दे, क्या पता मुझे मजा आ जाए, तेरी गैंग में आ जाऊंगा फिर मैं। बे तू दोनों का एक साथ ले लेना, डबल मजा आ जाएगा बेटे। डबल बेटे डबल। ओबे तेरी है ये तो गुतने पागे भाई बताई में। एक बात बताइए, जो तूने जिम में जा जा के डब्बे खा के बॉडी बना रखी है, इसका क्या चार खा लेगा? फेल नहीं ने। अबे अबे इनको क्या मारना है, ये मर जाएंगे मेरे हाथ से यार। अबे फेल की ऐसे के बच्चों। ओह ओह शांत गाइस शांत। हाँ जी मैम बताएं। तुम लड़ क्यों रहे हो, तब से देख रही हूँ मैं। हम लड़ रहे हैं? अरे नहीं मैम, हम लड़का रहे हैं, हम तो प्यार कर रहे हैं। हम तो प्यार कर रहे हैं, काम करो आप भी हमारे पास आ जाओ, हम आपसे भी प्यार कर लेंगे और आप भी कर लेना। ज्यादा ना टाइम पास मत करो मेरे साथ, चुपचाप अंदर चलो, सर बुला रहे हैं। सर ने देख लिया ना, चोट मार देंगे जैसे मेरे मार रखी है। अब डोलती रहती हूँ पीछे हाथ लगा के। माय गॉड सो सैड यार। कमर पे हाथ लगा के, चुपचाप अंदर चलो, जाओ अंदर जाओ, चलो 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 चलो, है ना, तुम्हारी भाभी के साथ थोड़ी अकेले में बात करनी है, जाओ चलो, है ना। ते निकट गंदी सकल गए यार। एल्विश तुझे इनविटेशन दूं क्या? चल अंदर। अरे आ रहा हूं मैडम, कैसे है, ठीक है? तो बच्चों आज की ट्यूशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। हे शार्क्स, रेड कलर नॉट अलाउड माय लाइफ, लाल रंग तो नफरत है, तू फिर भी पैर का ही है, हालांकि बहुत कम पैर का ही है, पर क्यों पैर का ही है तू बताओ ना। ओह माय गॉड, ये मास्टर सांड है, लाल रंग के पीछे तू बहुत कुछ कर देगा, उतार दे। बता क्या करूं? अरे उतार दे इसे, उतार दे। बस बस बस, चेंज द टॉपिक,
चेंज द टॉपिक। तो आज को हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है मास्टरमाइंड। मास्टर यू मास्टर तुम्हारे माइंड की गेल खेला को ध्यान रखिए भाई, और तुम्हें वाई मास्टरमाइंड की गेल ही आंसर देना। तो सपोज एक लड़का है कोई भी, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है। गर्लफ्रेंड बनाने के लिए वे एक जनरल स्टोर पे जाता है, वहां से एक चॉकलेट लेता है, लड़की को दे देता है, गर्लफ्रेंड बन जाती है। आसान सी बात है, सभी ऐसे करते हैं भाई, हमने भी ऐसे ही किया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है भाई, क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। वही लड़का गर्लफ्रेंड बनने के बाद जनरल स्टोर की जगह मेडिकल स्टोर से चॉकलेट लेता है, ये मास्टर पूछता है क्यों? सर ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने तो मुझे कभी चॉकलेट खिलाई ही नहीं। वो जब भी मुझसे मिलने आता था अपना केला लेके आता था सर। लड़की जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो सभी केला लेके जाते हैं। अरे नहीं सर, मेरा मतलब था कि वो 2 दर्जन केले लेके आता था, चॉकलेट तो उसने मुझे कभी नहीं खिलाई। 2 दर्जन केला लेके बच्चा, फिर वे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर वो तुम्हारी कहीं रिश्तेदारी में आता आ रखा, तुमने मिलके भाई कालो मुंह कर लिया, ठीक नहीं है। क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे केला थोड़ी लेके जाएंगे, केला तो अपने आप चले जाएगा एक विद चॉकलेट। छी यार भाई, ये मास्टर कितनी गंदी बात करता है, इसका मतलब समझ रहा तू? इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि मास्टर इतनी गंदी बात कर रहा तो भाई इसकी बहू कितनी गंदी बात करती होगी है। तेरी कसम मेरे तक डटा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, बस जल्दी तक मुझे इसकी बहू मिल जाए ना, तो थोड़े दिन में मेरे हाथ चलने शुरू हो जाएंगे, और एक बार मेरे हाथ चलने शुरू हो गए ना फिर तुम्हें पता ही है मैं क्या कर दूंगा। कंट्रोल भाई कंट्रोल। मैं चाहूं मेरी क्लास को हर बालक टोपा बने। सॉरी भाई सॉरी, एक मिनट गलती तो निकल गई, टोपा तो तुम पहले थे हो। मैं चाहूं कि मेरी क्लास को हर बालक टॉपर बने, और टॉपर बनने के लिए भाई माइंड तेज चलना चाहिए। और माइंड तेज पता कब चलेगा? जो हम अच्छा खाना खाएंगे, खाने की गैल गैल थोड़ा बहुत दूध भी मिल जाता, बात बन जा दूध ना, मतलब चाय हो कुछ भी हो, मतलब बात बन जाए एकदम, माइंड तेज चले। आदरणीय अध्यापक जी को मेरा नमस्कार। सीधा मुंह में घुस जाना, पहले नू बता आदरणीय अध्यापक कौन है, और ऊपर तो भाई तू कौन है? सर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, मेरे को ट्यूशन पढ़ना है। मैं ट्यूशन थोड़ी पढ़ाऊं, मैं तो कोलगेट बेकू हूं, मैं कोलगेट हूं, ये इतने सारे दांत, इन पैसा है मंजन मार दूं है तो दिख ना रहे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर। सर तो मेरे को भी ट्यूशन पढ़ा दीजिए। ट्यूशन पढ़ाओ यार, बहुत बढ़िया बात है, ट्यूशन पढ़ा देंगे। बस ना हमारी एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वैसे घनी सारी रिक्वायरमेंट है, पर मैं तो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि तो छोड़ने तेरा पापा आ गया, फिर मम्मी आएगी। सर पूज्य पिताश्री। पिताश्री? अरे भग जाए यहाँ तक, तो मारू तेरे पिताजी मारू। सर मम्मी भी आ सकती है। आई लव मम्मी, आजा आजा आजा। मम्मी आएगी तो हम तो बिल्कुल भाई पढ़ाई लेंगे, कोई दिक्कत ना। वैसे तो मेरी क्लास में सीट है ही ना, पर हम तेरे खाली करवा देंगे। बोरी बिछा नीचे बैठ जा, ठीक है? यू बैठा को, चल भाई बैठ जा। एक मिनट, वैसा है किसको तू? मम्मी का। मम्मी को? अरे हम भी मम्मी के, जितने बैठे हैं सब मम्मी के, कोई बुआ को ना है। मेरे कहने का मतलब तेरी मम्मी को नाम क्या भाई? सर सरोज। कान में पड़ेगा कुछ, जाके लंबे लंबे सुनहरे बाल है। हाँ जी सर वही। ओ, सही जा रहा हूँ बिल्कुल। जाके काली कालियां आकर या लंबी नाक है। सर नाक है सूंड है, इतना लंबा या मेरा है? एक तो एल्विस उछड़ के ना कान पे लात मारूंगा, बीच में मत वो लेकर, संस्कार नाम की चीज नहीं है तेरे अंदर। सर हमारे कान में बढ़ जाओ आप, कान में बढ़ जाओ, कान में। हाँ तो कहाँ हैं हम? जाके दो मोटे मोटे। सर वही है, सर वही है। दो बड़े बड़े गुड़गांव में पलोट है, वहां की बात कर रहा हूँ, डबल मीनिंग बात मैं नहीं करता बिल्कुल भी। किसी तक पूछ ले, बालकन तक पूछ ले, ठीक है ना? अगर इतनी बात, एक बात बोलूं यार, तू तो मेरा ही है।
मतलब हमारे ये हमारा फैमिली मेंबर की तरह है, तो मैं तो तेरा ना इंट्रोडक्शन करा दूं। बाल को ध्यान तो सुनिए भाई, यू है नुन्नू। अरे भाई यू तो चार्ली है, यू नुन्नू है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ओए हेलो हेलो, हाय हाउ आर यू चार्ली। हाँ यू है नुन्नू भाई, ठीक है, इंसानी रूप में नुन्नू भाई। और या कोई भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि या की मम्मी तो रात 2:30 बजे मेरी 2.5 घंटा बात हुई है, हमारी पर घंटा के हिसाब से डील हो गई है भाई, घंटों के हिसाब से बातचीत चल रही है। घंटा भाई घंटा है, ट्यूशन की बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और तू जाके बैठ छोरी, खड़ी हो जा, बोरी बिछा के नीचे बैठ जा, ठीक है ना। एक तो तेरी अपनी मम्मी तक ये फीस भेज जाए, सर चेयर नहीं दे रहे, नीचे बैठ चल के। तू बेटा जा जा बैठ, नुनू बैठ। ए अरे तो नहीं कह रहा, खड़ा हो जा एकदम, तू तो खड़ो ही रह भाई, तू बैठ जा रे। हाँ तो कहाँ है भाई, हम खाने पे, खाने की बात कर रहे हैं। तो यार हम क्या बात कर रहे हैं, खाना ला दो ना कोई। ईस्टर में ड्राइंग किसने बना रखी, मेरी मम्मी तो ना बना भाई, यार मेरी मम्मी बना रहे, छोटा भीम क्यों बना दिया मेरी मम्मी ने, बढ़िया बना रखा है यार। ओए नुन्नू सुन। हाँ जी सखी। अबे मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसके नुन्नू से बात कर रही हूँ। और नुन्नू क्या हाल है? अच्छा इससे बात चल रही है? अरे यार तेरे से बात हो रही है तो खड़ा होकर सैल्यूट भी नहीं मार रहा, बात करो, चलो हाय हेलो करो। ये कैसी बदतमीजी है? अरे ओए क्या बदतमीजी है, मेरी बात सुन ले, हमें यहाँ के राजा और तू हमारा बाजा, तुझे ऐसे बजाएंगे, ठीक है? आज के बाद ना फालतू मत बोल दियो। ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं मित्र मेरे से? अपमान? ओए यू अपमान क्या है, बब्बू मान तो सुना, अपमान नया सिंगर आएगा, कौन सा आयो? एपी, एपी की बात कर रहा है तू? एपी नहीं, अपमान मतलब इंसल्ट। आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? अब तेरी इज्जत है जो हम तेरी बेइज्जती करेंगे। दुनिया तो दूर हुई है, ओथे ना होवे और कोई, तू मेरे नाल आ जा, दिल तेरा साथ मंगे, चाहिदा नहीं कहिंदा। ओ भाई तूने देखा अभी? हाँ देखा और सुना भी भाई, बहुत बार सुना, बस यही डर है कि प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो जाए, कि ये मास्टर हम सबकी मुंहियां पीलने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अबे मास्टर नहीं, मास्टर नहीं, मास्टर के पीछे से जो मास्टर की बहू निकली भाई, जस्ट अभी तूने वो देखा भी है? देखा नहीं देखा हुआ? अबे यार ये सब मैं नहीं देखता भाई, मेरे पास और भी बहुत काम है समझा भाई। अबे भाई उसने मेरे को लाइन मारी यार, यार ये तो कुछ भी नहीं है, जब सुबह रैप बैटल चल रहा था ना, तेरी कसम डायरेक्ट लाइन मारी है, डायरेक्ट मेरे से खींची भी नहीं गई भाई। मां कसम, तू झूठ बोल रहा है। अरे मां कसम, तेरी भी मम्मी कसम भाई, कसम झूठ बोल रहा है। अरे नहीं झूठ नहीं बोल रहा भाई, लाइन मारी भाई, मेरी बात सुन ले, मेरा बहुत जी एक बार उससे मिलने का है, एक बार उसको मिलकर ना उसे ऐसे छू दूं, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी तेरी कसम है, एक बार बस छू के आ जान दे, और वो भी छू लेगी, वो भी खुश हो जाएगी है, एक बार हुआ हूं। सर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। मतबल अरे सर मतलब पानी पी के आ जाऊंगा एक बार। हाँ पानी तो पिया, तेरी बात सुन है ना, मो भी है प्यास लग गई, तू भीतर जा रहा हो ना, जाकर अपनी मैडम तो नुका दियो, गुरुजी है ना प्यास लग गई, गिलास पानी गुरुजी के नया भी दे दो, सिला जीत गेर का 250 ग्राम गिरवा दे, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? कैरियर सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, और बाकी नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कॉलेज नहीं जानो, चुप कर मेरी बात पूरी होने दे, कॉलेज नहीं जानो है, तुम्हें घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि मैं यार मेरे पापा हम ना घर बैठ के डिग्री बनाते हैं, फर्जी काम करें, हमारा पूरा खानदान ना फर्जी है। We'll be right back.
अबे यस का टाइम तो चला गया, अब टाइम है ओ यस का। शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? और ये क्या बकवास कर रहे हो? हम बकवास कर रहे हैं, हैं? आज हम बकवास कर रहे हैं। तू मेरे तो वहां लाइन देके नहीं आई, तूने मेरे को ऐसे देखा था कैसे? ओ भाई प्यार होगा मेरे को तेरे से यार, तू क्यों लाइन दी तूने मेरे को? तुझे मेरे से पप्पी चाहिए थी ना, तेरे को पप्पी देने के लिए ऑलवेज रेडी यार। चल अब आ जाए ना, बहुत देर हो गई। ये क्या बदतमीजी है? और मैं शादीशुदा हूं एल्विश। अरे तेरी शादीशुदा ने खा ली है, तू पागल वागल है क्या? मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, तू शादीशुदा हो। एक बात सुन, देख मुझे तो बहुत मजा आता है कि गाड़ी किसी और के नाम पे हो, आरसी किसी और के नाम पे हो, और चलाएंगे हम गाड़ी, ठुक जाए, पिट जाए, छिल जाए, कुछ भी हो जाए, मालिक अपने आप देख लेगा, है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू टैक्सी ड्राइवर है क्या? अबे टैक्सी तो छोटी चीज बोल दी तेने, हम तो ट्रक ड्राइवर है, बड़ी गाड़ी चला मैं, रात के सहन सा है, सुबह भी चला देंगे, तुझे चला दूं, है? अरे तू पागल है क्या? ज्यादा बकचोदी मत कर मेरी गाड़ी, ठीक है ना? शुरू है तो शुरू है। पागल है क्या? अरे पागल पागल कुछ ना, शुरू करवा ले। मेरी बहू भी भाई कमाल है, देख कभी भी चिल्ला जा, बाकी कोई अलजैसी आवाज यहां तक घुसा, यहां तक निकल जा, बाहर जा। सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कहीं आप बुरा तो नहीं मान जाओगे? पूछ। सर अगर आप यहाँ पे हो और आपकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज बाहर से आ रही है, तो क्या वो खुद चिल्ला रही है या उन्हें किसी ने चिल्ला दिया? ओएमजी लाइफ में पहली बार तेने समझदारी की बात करी है छोरी, तेना तो मेरा टेंशन मरना थी, कोई मालिश कर देगा मेरे सिर की। अगर अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी वाइफ क्यों चिल्ला रही है? वो चिल्ला रही है या कोई बात चिल्ला रहा हो? ओ माय गॉड, कहीं वहाँ ने चिल्लाने वालों तो ना रख लियो? अगर वहाँ ने चिल्लाने वालों रख लियो हो तो मैं क्या करूँगा? मैं किसे चिल्लाऊंगा? तुम्हें चिल्लाऊंगा क्या भाई? जाना पड़ेगा, दिक्कत होगी, जाना पड़ेगा भाई। देखो एल्विश, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक कदम की बात कर रही है तू? ये देख, दो कदम बढ़ा ली और तू बुरी बन जा, तू अच्छी बन जा, तू कुछ तो बन जा। तू एक काम कर, तू ना मेरी बन जा यार, है? अब फटाफट खोल दे, फटाफट खोल दे, देख अब टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट खोल दे, जाना पड़ेगा। सर, 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 सर आप कहीं नहीं जा सकते, आपको ट्यूशन के बच्चे भी तो पढ़ाने हैं सर। अपने घर में मैं कहीं ना जा सकूं, या तो पूछने जाऊंगा, मैं पेशाब करने जाऊंगा तो भी तो पूछ के जाऊंगा क्या? खोल फटाफट खोल दे। अब तो बेटे भारती भी आवाज आने लगी, जल्दी खोल दे। एक मिनट, भारती आवाज आ रही, इसका मतलब बाहर कोई आ गया? ले बेटा अफ्रीकन आ गया, ये तेरे चोट मार देगा, जल्दी भाग, सातवीं मंजिल कूद, चल। हाँ सातवीं मंजिल तक कूद बेटे, तेरे तेरी आस्की में इतना पागल भी ना हुआ जो सातवीं मंजिल तक कूद के मर जाऊं, समझ आई ना? सातवीं मंजिल तक कूद के आदमी मर जाए करे, पर यो अफ्रीकन तो ऐसे ऐसी करता है, कहां जाऊं, दीवार में बढ़ जाऊं क्या, या टीवी में बढ़ जाऊं, पर्दों में छुप जाऊं, टेबल में? ओ मुझे बड़े पल्लू में घुसा ले यार, तेरे पल्लू में छुपा ले, प्लीज पल्लू में छुपा ले, प्लीज। पागल है क्या? आओ सर, सर आप कहाँ जा रहे हो सर? अरे भीतर जा रहा हूँ, भीतर भीतर मत जाओ सर, ये देखो आपके आगे ट्यूशन का हुस्न का बड़ा प्रेजेंट हुआ है, आप ये देखो ना, ये नन्नी नन्नी कटोरिया आप ही के लिए, तो इनके साथ चिल करो, अंदर मत जाओ सर, अंदर मत जाओ। फटाफट बता, फटाफट बता दे कहाँ गए, कहाँ गए, फटाफट बोल। कौन कौन मैं पागल समझ रही है? जो तो चिल्लाने लग रहा हो, जाके कहने तो तू चिल्लाने लग रही है, पागल मत समझा, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, फटाफट। अरे कोई नहीं है यहाँ पे, तो कौन चिल्लाएगा मेरे को? ओ कोई ना, कौन चिल्लाएगा, तू मैं पागल समझ रही है, कहीं ना कहीं दुबका रखा होता है, कहाँ दुबका सके है तू, है? बोल फटाफट, फटाफट बोल दे, ऐसे नहीं बोलेगी भाई। चल कोई बात ना, अब की बार तू छुपा लेगी, अगली बार कौन छुपाएगा तेरा, ना ऐसी ऐसी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, तू हम ते नहीं बच पाएगी, बुरका मैं रखूंगा, बुरका मैं तो, या तो बंद कर जाऊं मैं, बंद रही अभी तेरी।
चखना, एक हाथ में बोतल एक हाथ में चखना। ओ मखना। गाइस यार तुम मेरे टाइम पे शोर क्यों ना मचाते, तुम्हारे गले में से आवाज ना निकलती है, घेट में कुछ फंस रहा है। भाई बिल्कुल मजा नहीं आया, कती मजा नहीं आया। सुर भी नहीं लगाए जा रहे सुअरों से। यार ये मेरे सहपाठी कितने अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इनके घर वालों ने इनको संस्कार नहीं दिए, या फिर ये किसी की नाजायज औलाद है। ओ संस्कार के पिल्ला, क्या बकवास कर रहा तू साढ़े, तेरे ते अभी अभी समझाई थी ना कि हम यहाँ के राजा हैं और तू हमारा बाजा है। इससे पहले ना तेरे कान पे थप्पड़ मार के तुझे लंगड़ा कर दूँ ना, बेटा यहाँ तक पार हो जा, चल पार हो जा, चाहे तू पुष्पा का हो चाहे तू सरोज का हो, ठीक है निकल यहाँ, चल तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, तुझे रोड पे ला दूंगा, रैप मारना मैं सिखाता हूँ। इश्यू बॉयज काला घोड़ा इन द हाउस, बेटे हमारी छोरी तुमने अकेली पकड़ रखी है क्या है, इसका रैप मैं कंप्लीट करता हूँ। एक हाथ में बोतल एक हाथ में चकना, एक हाथ में बोतल एक हाथ। भाई भाई यार हाथ में कुछ और लेने का टाइम आ गया है, गोली गोली लेने का टाइम आ गया भाई। एक नंबर आइडिया लेके आया तू तो, एक हाथ में पिस्टल एक हाथ में गोली एक हाथ में पिस्टल। यार तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब तेरी सेटिंग बेवफा निकली यार, बेवफा। बताओ बताओ तेरी सेटिंग बेवफा निकली। ओ माय गॉड, कौन सी वाली सेटिंग भाई, गुड़गांव वाली, दिल्ली वाली, नोएडा वाली, जयपुर वाली? जयपुर वाली यार, जयपुर वाली, जयपुर वाली। वैशाली नगर वाली या प्रताप नगर वाली? वैशाली नगर में कौन से वाली, वो जिसके काले बाल थे सुनहरे बाल थे उसके, मैंने भी सुनहरे भाई सुनहरे बाल थे उसके यार, सुनहरे बाल थे जिसके यहाँ पे तिलता या जिसके यहाँ पे तिलता, ये वाला तिल वाली वो बेवफा निकली यार। भाई आजकल की लड़कियों पर तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकते यार। तू समझने की कोशिश नहीं करना, मेरे कहने का मतलब वो जो मास्टर के बहू है ना जिससे तू प्यार करता है, वो बेवफा निकली ब्रो। हाँ भाई चला मैं तेरे को दिखा के लाता हूँ, चल। तो दूर होइए वो तेरा होवे और कोई, तू होवे मैं होवा दुनिया तो दूर होइए वो तेरा होवे और कोई, तू मेरे नाल आ जा दिल तेरा साथ मंगे जाईदा नहीं कहिंदा और कोई, साथ दिल मंगदा हुण तू ही आ जा नाल नी, तेरा साथ दिल मंगदा तेरे बिना होया एदा बुरा हाल नी, तेरा साथ दिल मंगदा राती जद गिणदा तारे सोचे दिल तेरे बारे, उमी तां दीवानी मेरी होई, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, तुझे रोड पे ला दूंगा, दुनिया तो दूर तुझे रोड पे ला दूंगा, ओथे ना होवे और कोई। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी है तुम्हारी कसम, इतनी मेहनत लगी है ना तुम सोच ना सको। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए ना, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई अपनी वीडियो पे क्रॉस करवा दो 4.5 लाख लाइक्स, अगर इस वाली वीडियो पे 4.5 लाख लाइक हो जाएंगे तो भाई हम लेके आ जाएंगे पार्ट 3। बहुत मेहनत तुम्हारी कसम, बहुत मेहनत, इसलिए लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को भी और ब्लॉग वाले चैनल को भी, मजा आ जाएगा। पार्ट 3 के लिए 4.5 लाख लाइक्स, 450K लाइक्स कर दो जल्दी।